भाई साहब थोड़ा पीछे आओ ना। अरे क्या तू आप लोग करते हो बात मुझे तो बताऊं क्या करता हूं जब भी यहाँ फूट गया तब गाना बजता है ये वाला नहीं वो नहीं करो फिर भी सर यहाँ देखिए सारे जहाँ से अच्छा आजा भाई मैं निकल रहा हूँ मेरा कोई किरदार नहीं मेरा दोस्त है ऋषभ और डायरेक्टर साहब जो हैं रुपेश रायसेकंद वो मेरे बहुत अजीज़ डायरेक्टर हैं और इसलिए मैं ऋषभ को यहाँ बधाई देने आया हूँ जी नहीं एक तो ये फिल्म ऐसी है गैंग ऑफ शेर अली जो सीरियस फिल्म है और मेरा जॉनर कॉमेडी का है तो मैं यहाँ पे आके अभी ऐसा कुछ अभी कर रहा हूँ जी अगर आपको रोल करना हो या कुछ अपने वे में उसे प्रेजेंट करना तो आप किस तरह करेंगे यू आर नोन एज अ मैं तो कैसे प्रेजेंट करूँगा ये देखने के लिए तो आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए जी तो ऐप तो मेरे पास बहुत हैं आप समझ सकते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सिक्स पैक ऐप्स उसने बनाया उसने मेहनत बहुत की है और कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ जो भी हो सकता है उसके लिए इनमें बहुत पोटेंशियल इसलिए मैं देखता हूं क्योंकि मेहनत शरीर पे जिसने की उसने अपनी बॉडी ऐसी बनाई है 3 साल से उसने रोटी नहीं खाई है जो मेहनत वो कर रहा है अपनी बॉडी के लिए वो बहुत काबिल तारीफ है हाँ सो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप फिल्म
अभी तो नहीं है, बट जैसे ही कुछ आता है तो मैं आप लोग को पता चल भी जाएगा और मैं भी बता दूंगा। जो अच्छा लगता है आप वो देखें, मैं तो यही बोलूँगा आपको, जो अच्छा लगता है वो ज़रूर देखें, चाहे वो कपिल भाई का हो चाहे वो कृष्णा भाई का हो, जो आपको पसंद आ रहा है वो ज़रूर देखें। कॉमेडी ऐसे सब्जेक्ट है इसमें किसी की राइवलरी नहीं हो सकती, मगर ये है कि आपस में लोग बना देते हैं कि कपिल अपना कि कपिल की कृष्णा से दुश्मनी है, कृष्णा की कपिल से, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब आपस में दोस्त हैं। पर ये है कि कपिल भाई का अपना शो है, कृष्णा भाई का अपना शो है। मैं तो, मुझे कॉमेडी से मतलब होता है, मैं किसी की भी कॉमेडी देखता हूँ, चाहे वो कपिल भाई की हो चाहे कृष्णा भाई की हो चाहे सुरेश जी की हो, इन सब से सीखा है मैंने, तो मुझे पसंद है सब। थैंक यू। हीरो का रिकॉर्ड नहीं हुआ, चिप एरर बता रही थी। अच्छा, पूरा इसलिए टोका नहीं मतलब जान जाए इधर का हो गया ना। हाँ इधर का। और क्या सब एक साथ थोड़ी ना करो, स्टील का कर लेते ना, थोड़ा हो जाने दो ना। अरे स्टील मार ले, स्टील मार ले, स्टील मार लो। नहीं अरे स्टील मार, पीछे आ जाओ, स्टील आ जाओ। अकेला यार सपोर्ट नहीं मिलती है। एक भाई दोबारा बोलना सर, सॉरी क्वेश्चन। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक न्यू कमर का बैकग्राउंड किसी एक बड़े स्टार के लड़के का होना या किसी बड़े डायरेक्टर का होना। अगर लड़के में टैलेंट है तो आज से मेरे ख्याल से 10 साल पुराना कई लोगों ने ऐसा ब्रेक लिया है और डायरेक्टर्स आज भी ब्रेक देते हैं। सो मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन एकदम करेक्ट और एकदम ज़ोरदार सिलेक्शन है और ये काफ़ी लोगों को प्रूव करेगा ऋषभ कि जिसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सेलेक्ट किया है ये उन लोगों को लेट डाउन नहीं करेगा। मैं सर इसकी कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स तो नहीं दूंगा, लेकिन बड़े स्टार्स के साथ भी कई ऐसे एग्जांपल्स हैं कि फिल्म्स नहीं चली हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपने किसी नए स्टार को ब्रेक दिया और वो फिल्म ने बहुत सुपर डुपर रिकॉर्ड तोड़ा है। न्यू कमर को एक बच्चे की तरह आपको पूरा डेवलप करना पड़ता है, उसको आपको ग्रूमिंग देनी पड़ती है, उसको आपको डायलॉग्स पे, स्क्रीन प्ले पे, सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। और मुझे लगता है ऋषभ अपने आप में इतना मेहनती लड़का है कि वो मार्शल आर्ट पे बहुत वर्क कर रहा है, वो अपनी और तमाम उन चीज़ों पे कर रहा है जो एक हीरो के अंदर होनी चाहिए।